तो गॉप इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए अमेरिका से आ रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर विमान जिसका नाम है B-1B लांसर। पहली बार भारत आ रहे दो अमेरिकी B-1B हैवी बॉम्बर एक बेस से दुनिया में कहीं भी मिलिट्री मिशन अंजाम देने में सक्षम है। आइए जानते हैं B-1B लांसर की खूबियों के बारे में। नाम है B-1B लांसर। साउथ डकोटा के एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस के 28वें बॉम्ब विंग का लंबी दूरी का बम वर्षक किसी भी तरह के गाइडेड परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। B-1B लांसर बम वर्षक लंबी दूरी का विमान है। सामान्य भाषा में अमेरिकी सैनिक इसे बॉन कहते हैं। अमेरिका के पास ऐसे 104 बम वर्षक है। इसे उड़ाने के लिए 4 क्रू लगते हैं, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कमांडर, एक पायलट, एक ऑफेंसिव सिस्टम ऑफिसर और डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर शामिल है। B-1B लांसर की लंबाई 146 फीट है, विंग स्पैन 137 फीट है और उसकी ऊंचाई 34 फीट है। जब इसमें हथियार नहीं लगे होते तब इसका वजन 27,090 किलोग्राम रहता है। हथियारों के साथ 2.16 लाख किलोग्राम हो जाता है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर यह 1,531 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है। यह एक बार में 9,400 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें 6 एक्सटर्नल हाई पॉइंट्स है, यानी हर 23,000 किलोग्राम वजन के बम रख सकता है। इसमें कई तरह के बमों का मिश्रण लगाए जा सकते हैं। MK-82 जनरल पर्पस बम, MK-62 क्विक स्ट्राइक सी माइंस क्लस्टर बम, CBU-105 विंड करेक्टेड म्यूनिशंस डिस्पेंसर, जाइडम JPS गाइडेड बम, लेजर गाइडेड जाइडम बम, GBU स्मॉल डायमीटर बम, AGM-154 ज्वाइंट स्टैक ऑफ वेपन, AGM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन। इनके अलावा B-61 और B-83 परमाणु बम भी इसमें लोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 3 इंटरनल बम है, यानी 34,000 किलोग्राम वजन के बम लगा सकते हैं। इसका रडार सिस्टम इतना तगड़ा है कि दुश्मन के किसी भी हथियार की जानकारी हासिल कर लेता है। इसमें डिफेंसिव जैमिंग सिस्टम भी है, यानी दुश्मन के इलाके में जाते ही उनकी सिस्टम को जाम कर सकता है। B-1B लांसर बम वर्षक के 3 वेरिएंट्स हैं। पहला B-1A, B-1B और B-1R। इनके वेरिएंट्स स्ट्रेटेजिक एयर कमांड, एयर कॉम्बैट कमांड और एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड इन बम वर्षकों से सीरिया में दामिश्क पर हमले किए गए थे। इसके अलावा लीबिया में भी हमले किए गए थे। इसी बम वर्षक से सद्दाम हुसैन और उसके 2 बेटों को मारने का असफल प्रयास भी किया गया था। भविष्य में इस बम वर्षक में हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183 AWRW लगाने की योजना है। यह मिसाइल 1600 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर मार करती है। इसकी गति 7962 किलोमीटर से 9878 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच है, यानी इस B-1B बम वर्षक के साथ इस मिसाइल का कॉम्बिनेशन बेहद घातक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।